हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए एक स्पेशल थीम बनाने जा रही हूँ, तो मैं इस गमले को अच्छे से डेकोरेट करूँगी। तो इसके लिए मैंने कुछ वेस्ट मटेरियल लिया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, इसी का यूज़ करके मैं एक सुंदर सा पॉट डेकोरेट करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने ये कुछ बॉटल के ढक्कन लिए हैं, पानी पीने वाला जो बिस्लरी होता है उसी का कैप है। तो इसका देखिए मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगी, एक छोटा सा टेडी बेयर है, तो इसका देख सकते हैं मेरे नेफ्यू ने पीछे का जो सर होता है वो तोड़ दिया है, तो फिर इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करूँ। देख सकते हैं सर इसका टूटा हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसे अपने मिनी गार्डन में यूज़ करूँगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरीके से हम पूरा कैप साइड से लगा देंगे। तो देख सकते हैं इसे मैंने, ये जो बॉटल का कैप है मैंने इसे लगा दिया। बाकी जो जगह है उस पर मैं एक छोटा सा पॉट रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना एक रोइयों का जो प्लांट है ये रख दिया है। ये जो खाली जगह है इसे भी हम कवर करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये गिट्टी ली है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको मिल जाएगा। तो इसे मैंने काफ़ी पहले ही कलर कर दिया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा कलर निकल रहा है, फिर भी ये अच्छा लगता है देखने में। ये एक छोटा सा मैंने जेट प्लांट लगाया था इसमें, तो इस पॉट को भी मैं रख दूँगी यहाँ पर। तो इसे मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब ये जो टेडी बेयर है इसे मैं देखिए कितना खूबसूरत बनाती हूँ। ये जो कैप है, तो ये जो बॉटल का कैप है इसको मैं इसके सर पे कैप की तरह यूज़ करने वाली हूँ। आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है, अब ये बिल्कुल अच्छा सा टेडी बेयर लग रहा है, प्यारा सा। ये मैंने एक सीढ़ी बनाई थी, ये जो हम आइस गोला खाते हैं उसी का ये है, तो इसको मैंने फेविकॉल से चिपका के एक सीढ़ी जैसा बना लिया है। अभी देख सकते हैं एक और बचा हुआ है, तो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया है। अभी मेरे पास और स्टिक है, तो इससे मैं एक बैनर मैंने तैयार किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लिखा हुआ, तो इसको मैं लगाऊंगी। तो ये मेरा बनके रेडी हो गया, तो ज़रूर आप बताइए ये आपको देखने में कैसा लग रहा है। और मैंने इसका बैनर भी लगा दिया। तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक छोटी सी मेरी कोशिश थी। 2022 से लेके 23 तक मैंने एक साल में अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या किया वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, एक साल में मैंने बहुत सारे प्लांट के कलेक्शन बढ़ाए हैं और बहुत सारा कुछ किया है अपने एनवायरनमेंट के लिए। जैसा कि मैं कास्ट से ही कुछ वहाँ हूँ, तो हमारा कुछ प्लांट्स के प्रति, खेती के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। तो मुझे काफ़ी बचपन से ही प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कर नहीं पाती थी, पॉकेट मनी कम होती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे अपना जुनून बनाया और छोटे या कम ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़े, और जो भी पॉकेट मनी थी या फिर मैंने जो वेस्ट मटेरियल थे उसी से ही अपना जो बालकनी है उसे डेकोरेट किया। तो मैं दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले ये मैं दिखाना चाहूँगी कि ये जो पेंट के डब्बे हैं इससे मैंने, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये किया है। मैंने प्लांटर बनाया है खूबसूरत सा, देख सकते हैं, बस कलर कर दिया पुराना कलर। और ये कैप के ढक्कन से मैंने, बॉटल के ढक्कन से इस तरीके से बनाया है। तो ये मेरे कुछ प्लांटर हैं, मैंने स्टार्टिंग में अपने पॉकेट मनी से कुछ ही, आप देख सकते हैं, सीमेंट के गमले लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसे कुछ करूं कि मुझे गमले खरीदने ना पड़े, तो मैंने ये बनाया वेस्ट मटेरियल से। यहाँ भी देख सकते हैं एक है, फिर मैंने सोचा इसको डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने देख सकते हैं ये बची हुई रस्सी से इसको डेकोरेट किया इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैंने च्यवनप्राश का जो बॉटल होता है उससे एक खूबसूरत सा प्लांटर बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने एक छोटी सी बिल्ली बनाई थी, ये मिठाई का डब्बा था, चॉकलेट का डब्बा था, तो उससे मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो बालकनी गार्डन है बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से मैंने बनाया है, बहुत ही कम पैसे लगे हैं। और ये मनी प्लांट भी है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, और आप देख सकते हैं कितना ग्रो किया है। ये काफ़ी घना हो गया था तो मैंने इसे कट किया था। और भी कुछ मैं दिखाना चाहूँगी, ये जो भी है मैंने अपने बालकनी गार्डन को डेकोरेट करने के लिए एक पुरानी लकड़ी को कलर करके बनाया है, इसको भी मैंने लकड़ी से ही बनाया है। ये मेरी एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। इसको मैंने डव शैम्पू का जो बॉटल है उससे बनाया है, इसमें मैंने मनी प्लांट की कटिंग रखी है, और ये भी मैंने खुद से बनाया है। मैंने एक यहाँ पर बर्ड हाउस बनाया है जिसका आगे की साइड से ये है, यहाँ पर मैंने एक बर्ड फीडर भी लगा रखा है। आगे भी आप देख सकते हैं एक मैंने प्लांट लगा रखा है, और कुछ गेट के बाहर भी हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बर्ड हाउस इसलिए बनाया था ताकि इसमें बर्ड आके रहे, लेकिन जो बर्ड है वो इसमें नहीं, आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगी कि इसमें एक छोटी सी चिड़िया है जिसे मैं बुलबुल बोलती हूँ, आप देख सकते हैं इसमें रह रही है, कि तीसरी बार इसमें आके रह चुकी है, तीसरी बार इसने फिर से इसमें घोंसला बनाया है, और इसके तीन बच्चे भी हैं। तो मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि ये डर जाएगी। साइड से एक और ये है, तो इसको मैंने यहाँ पर लगा रखा है, बट इसमें नहीं, ये बार बार इसी में आके रहती है।
तो ये जो भी कुछ मैंने किया है अपने इन्वायरमेंट के लिए किया है, तो आप ज़रूर बताइएगा ये मेरी कोशिश आपको कैसी लगी। और आशा कीजिएगा कि जो बुलबुल है इसके बच्चे काफ़ी स्वस्थ रहे, क्योंकि काफ़ी गर्मी का दिन है तो ये काफ़ी परेशान रहती है, खाना हमेशा ला कर देती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बर्ड फीडर इसके लिए लगाया था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये जैसे छोटे छोटे जो कीड़े होते वही खाती है ये, मतलब किस कोई दाना या अनाज नहीं खाती है, ये खुद भी कीड़े खाती है या छिपकली का जो छोटा बच्चा होता है वो खाती है, और बच्चों को भी वही खिलाती है। तो वो सब तो मैं इसे नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपने छत पर पानी रख दिया है इसके पीने के लिए, तो शायद इसकी प्यास बुझ जाती होगी। तो ये छोटी सी मेरी कोशिश थी एक साल में अपने एनवायरनमेंट के लिए। 2024 तक मैं और भी इससे ज़्यादा कुछ करूँगी, तो वो तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में ही देख पाएंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा ये मेरी कोशिश एनवायरनमेंट के लिए कैसी लगी। और मैं एक ख़ास बात आपको बताना चाहूँगी कि जो ये स्नेक प्लांट होता है एक इंडोर प्लांट है, तो जैसा कि पीपल का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो मैंने एक इंडोर में स्नेक प्लांट लगाया है, ये भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो आप देख सकते हैं एक ही प्लांट मैंने ख़रीदा था और ये भी काफ़ी ग्रो हुआ है, और इसकी कुछ कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कटिंग एक लगाई है और एक यहाँ मैंने कटिंग लगाई है। तो मैंने जो भी पौधे लगाए हैं एनवायरनमेंट को सोच के लगाया है। ये भी काफ़ी अच्छा पौधा है स्पाइडर प्लांट, जो डिप्रेशन के पेशेंट को काफ़ी हेल्प करता है। तो आप इस तरह के पौधे अपने बेडरूम में या डाइनिंग रूम में रख सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे प्लांट कलेक्शन है, लेकिन रात में मैं दिखा नहीं पाऊँगी, और अगर मैं पूरा आपको अपना प्लांट कलेक्शन दिखाऊँगी तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आपने मेरे चैनल पे देखा ही होगा मेरा प्लांट कलेक्शन। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, तो आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो और ये थीम कैसा लगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।